पहुंच चुका हूँ गुलमर्ग में, मेरी कार भी पार्क की है और शोएब भाई ने मेरे लिए ये घोड़ा जो है ला दिया है। अभी घोड़े पे बैठूँगा और गंडोला का फर्स्ट फेज जो है वहाँ जाऊँगा। उसके ओवरऑल जो चार्जेस है उन्होंने यानी निगोशिएशन 2500 बोल दिया था, लेकिन निगोशिएशन करते करते वो 1200 में तय हो गया है। तो चलो इस घोड़े की सवारी करते हैं। तो भाई कौन रहेगा मेरे साथ? ये भाई अजाज भाई आपके साथ। अजाज भाई जी चलिए अजाज भाई करेगा ये पूरा, आपको कंगन डोरी लेके जाएगा। ओके, कंगन डोरी से 1 किलोमीटर आगे ही लेके जाएगा सर। अच्छा, बर्फ रहेगा वहाँ पर? वहाँ बर्फ रहेगा जहाँ सब टूरिस्ट जाता है। अच्छा अच्छा, उसके बाद सेकंड फेज आता है। अच्छा, लेकिन वहाँ घोड़ा नहीं जाता। घोड़ा नहीं जाता। ओके, फिर आपको तू दिसान है किथे तू? तो ओ तू कौन है फाके? तू घोड़ा खोल दे सी। 10 बजे ये जर्नी शुरू की है। आवाज दे, आवाज दे दी है फाके। कंगनागिरी कुछ नाम ऐसा ही है, मैं भूल जाता हूँ नाम। हाँ याद आया, कंगन डोरी के राइट पर निकले। यहाँ से कितना किलोमीटर होगा यानी ऐसे अंदाजे? होगा 6-7 किलोमीटर ज्यादा ही होगा कम। अच्छा, यानी तकरीबन 6-7 किलोमीटर होगा यहाँ से। अब देखना है। तो दोस्तों ये जो नदी देखिए, मैं 2 मिनट रुका ना, आगे रुकेगा ना, घास पे रुके, घास पे रुके, थोड़ा घोड़े चिरा मैंने ये सारे, थोड़ा आगे जाके जब मैदान आएगा वहाँ रुकेगा। आ गया थोड़ा सर, देना घोड़े का स्टॉप है, वहीं रुकेगा घोड़ा। हमारा घोड़ा तकड़ा घोड़ा है ना, मरा हुआ घोड़ा नहीं, इसको हम 5 महीने पहुँचाने वाला है। ये पहाड़ी घोड़ा है, जब इसको अभी चलाता नहीं हूँ, मैं चलाऊँगा ना, ये 5 मिनट में पहुँचेगा। देखो ये वो घोड़े नहीं हैं, अभी इसको मैं बोलता नहीं हूँ, बोलता हूँ तेज चलो, ये हवा पकड़ी, हवा हवा मत पकड़ो, हम लोग हवा हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। सारी बैठा ना, ये बुरा इस साल अभी ये मैदान ठीक नहीं हुआ, पर साल वो अभी बर्फ पड़ रहा था ना। हाँ, तो पिछले साल इसमें इतना फूल था, बात ही कोई नहीं। अच्छा, इस साल मौसम खराब रहा और बर्फ पड़ता रहा। अच्छा, इसीलिए फूल नहीं आए क्या? हाँ, उससे ये पूरा सही नहीं आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सब जो अभी ये छोटी छोटी ये जो झुगिया थी, जो ये घोड़े के लिए बनाए क्या? जी जी जी, ये सब। अच्छा, हाँ रात को घोड़े यहाँ रहते हैं। अब यहाँ स्टॉप करना, यहाँ रुक जाना। अभी तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर हम ऊपर चढ़कर आ गए होंगे और यहाँ पर धीमी धीमी बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। आगे का मौसम कैसा होगा पता नहीं, और ठंड भी महसूस हो रही है। चल चलो, ये जैकेट पहना है तो ऊपर पता नहीं चल रहा, लेकिन जीन्स जो है, जीन्स के अंदर से जो है वो हड़के से ठंड जो है चुभ रही है। यहाँ पे इनका एक छोटा सा होटल है और यहाँ अभी एक टी ब्रेक लेते हैं। दादा एक चाय दो ना, मैं देता हूँ। ओह ये बहुत सही है, सुकून है। और ये यहाँ चाय बना रहे हैं। आप यहाँ क्यों? क्या नाम है दादा आपका? इरफान भाई। और आपका? रियाज भाई। चलिए, ये क्या खा रहे हो? बटर। ये क्या है? बिस्किट। अच्छा, कश्मीरी रोटी। ओके, ये डुबा के खाते हैं ऐसे? हाँ, डुबा के खाते हैं, इस तरह सूखा भी खाते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ आके थोड़े ना जरा गर्मी महसूस होने लगी। जरा मुझे चाय दीजिए ना और एक रोटी भी दे दीजिए। ठीक है सर, सबको घुमा के भाई हमारा ऐसी बात नहीं।
चलिए हमें उन्होंने बहुत अच्छी तसल्ली दी है, वाले से होता है भगवान से, जो वो करेगा उसका कोई बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऐसे कुछ होगा। दो मैगी और अभी ये कश्मीरी रोटी, कश्मीरी रोटी और चाय ट्राई करते हैं। जी जी करो करो सामने, ये देखो ना इसमें फोटो बिठाओ कि हम क्या कश्मीरी खा रहे हो। ये कश्मीरी रोटी और चाय। ओहो बहुत मजा है हैं। ओहो देना पहला बार है विकास को कुंचा जी वाला, लेकिन उस खरीदार को ऑर्डर लेता जी। हां कुंचा कर एक कॉफी। हां पांच चार कौन सा चाचा चाचा। हां मां अच्छी टेस्ट है। और ये गर्मी मजा है। और क्या अच्छा, यहाँ मैगी भी बन रही है जी, आग भी जल रहा है, आग भी जल रहा है। नीचे भी धुंध कोहरा सा छाया हुआ है, चढ़ाई जो है बहुत स्टीप चढ़ाई है। तो दोस्तों मैं अभी पूरे कोहरे में हूँ, चारों तरफ कोहरे में, यानी अगर देखा जाए तो पूरा बादल के बीच में खड़ा हूँ और ठंड बहुत है, बहुत ठंड है। और आगे जाने की कोशिश करूँगा, चारों तरफ बर्फ। ये मेरे जिंदगी का पहला अनुभव ये। अरे संभल के पूरा धस जा रहा है, धस जा रहा है पूरा। ये अगर शूज वूज ना होते ना, ये शूज अगर ना होते तो दिक्कत होती। अरे दादा यहाँ का मौसम ऐसे ही रहता है। अभी हो जाएगा ठीक। हाँ अच्छा भाई, तो कह रहे हैं अभी ठीक हो जाए मौसम, उम्मीद रखते हैं ठीक हो। ये कोहरा कोहरा थोड़ा सा छट जाए तो जो है पूरे पैर धस रहे, कोहरा थोड़ा सा छट जाए तो मजा आएगा ओवरऑल व्यू देखने के लिए। एक जगह देख रहा हूँ मैं बैठने के लिए, वहाँ जरा सुकून से बैठता हूँ और चारों तरफ का नज़ारा जो है निहारता हूँ। इस पत्थर पे आया हूँ, ये चारों तरफ बर्फ। शायद यहाँ के लोगों के लिए तो ये आम बात होगी, लेकिन जैसे जैसे भारत के साउथ साइड में जाते जाएंगे तो ये जो है एक अलग अनुभव उन लोगों के लिए होता है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है और इस स्वर्ग को और हसीन बनाता है ये बारामूला में स्थित गुलमर्ग। गुलमर्ग पहले गौरीमर्ग नाम से जाना जाता था, लेकिन 16वीं शताब्दी में यूसुफ शाह चक ने इसका नाम बदलकर गुलमर्ग कर दिया और फूलों के प्रदेश के नाम से ये गुलमर्ग जाना जाता है। गुलमर्ग समुद्र तट से लगभग 2600 मीटर ऊंचाई पर है
और ये हिमाचल की पीर पंजर रेंज पर स्थित है। और यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं वो देवदार और चीड़ के लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे और मजबूत पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ सर्दियों में खासकर यहाँ के पहाड़ जो है बर्फ़ से ढके हुए होते हैं और सैलानी जो है स्कीइंग करने के लिए यहाँ आते हैं। देखिए यहाँ भी जो स्लाइडिंग हो रही है, यहाँ पर्यटक काफ़ी संख्या में पर्यटक आए हैं और स्लाइडिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, गुलमर्ग की स्थापना अंग्रेजों ने 1927 में उनके शासनकाल में की थी। अब ये गुलमर्ग शहर जो है सिर्फ पहाड़ों का शहर नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा यहाँ पर गोल्फ कोर्स है और देश का प्रमुख स्की रिजॉर्ट भी यहाँ पर है। यहाँ पर इस गुलमर्ग के हसीन वादियों में ये ढके हुए बर्फ के पहाड़ों पर ये सुंदर वादियों में बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों की और अन्य फिल्मों की भी, अन्य भाषाओं की फिल्मों की भी शूटिंग यहाँ हुई है। ठंड की वजह से जो है मेरे आवाज़ में कंपन महसूस हो रही है। मुग़ल बादशाह जहांगीर यहाँ पर अक्सर अपनी छुट्टियाँ मनाने आया करते थे और यहाँ पर उन्होंने 21 प्रकार के फूलों का बगीचा का भी निर्माण किया था। 1904 के दौरान, यानी अंग्रेज़ों के शासन के दौरान 1904 में अंग्रेज़ों के लिए खेलने के लिए उन्होंने गोल्फ कोर्स का यह निर्माण किया था। और जब 1915 में कश्मीर के तत्कालीन राजा हरि सिंह की पत्नी महारानी मोहिनी बाई, उन्होंने इस गुलमर्ग में एक भव्य सुंदर शिव मंदिर का निर्माण किया था। हाँ बिल्कुल यस। चलो तो दोस्तों, ये गुलमर्ग के बारे में बात कर रहा था मैं आपसे। तो गुलमर्ग के जो प्रमुख पर्यटक स्थल है वो है, पहले तो गुलमर्ग गोंडोला, उसके बाद महारानी टेम्पल यानी मोहिनीश्वर शिवालय टेम्पल, उसके बाद खिलनमर्ग, निंगली नल्ला, वैरीनाग, ये कुछ यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। ओहो, चारों तरफ देखिए पूरा कोहरा जो है, चारों तरफ कोहरा भरा हुआ है और मेरे मुंह से भी धुआं आ रहा है। दोस्तों, गोंडोला सवारी करने का मुझे मौका तो नहीं मिला आज, क्योंकि काफ़ी एडवांस बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी थी, लेकिन यहाँ का गोंडोला की सवारी जो है वो प्रमुख आकर्षण है। और ये गोंडोला की सवारी दुनिया में सबसे ऊंची कार परियोजना है और दुनिया की सबसे बड़ी और दूसरी ऊंचाई पर ये योजना बनाई गई है। यहाँ पर गोंडोला में प्रति 6 लोग और हर घंटे जो है तकरीबन 600 लोग लेके जाया जा सकता है। महारानी टेम्पल का निर्माण तत्कालीन राजा हरि सिंह ने अपनी पत्नी मोहिनी बाई सिसोदिया के लिए किया था। वो 1915 तक वहाँ के उनका शासनकाल था। ये मंदिर जो है डोगरा राजाओं का आलिशान अधिकार माना जाता है। शिव मंदिर शिव और पार्वती को समर्पित है।
ये मंदिर एक ऊंचे पहाड़ियों पे स्थित है और चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ है। और इस मंदिर को यानी गुलमर्ग से कहीं से भी देखा जा सकता है, लेकिन अभी इतना कोहरा छाया हुआ है तो पता नहीं, अभी तो हम इसको नहीं देख सकते हैं। ये दूर दूर तक जो फैली हुई आप घाटी देख रहे हो, इस घाटी को खिलनमर्ग घाटी कहा जाता है। अभी बेसिकली हल्की हल्की जो है बारिश की बूंदे आ रही है और ठंड भी ज़्यादा बढ़ रही है, तो जब इस घाटी पर हरी हरी हरियाली छाती है छा जाती है और तब विविध रंग के फूल जो आते हैं उसका सौंदर्य जो दिखाई देता है वो देखते ही बनता है। ये खिलनमर्ग की बर्फीली घाटी जो है उसका सौंदर्य जो है वो देखते ही बनता है। बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब एक स्वर्गनुमा एक दृश्य प्रतीत होता है। जहाँ जाए वहाँ ऐसा लग रहा है कि एक फोटोजेनिक जो भगवान ने चित्र बनाया है, बहुत ही अत्यंत सुंदर अत्यंत रम्य। ये चहली है और अभी मौसम जो है वो खराब हो चुका है, बारिश बहुत जबरदस्त आई है। जरा बारिश दिखाने दो, ये बारिश आ गई तेज और उसके साथ एक गरम चाय का जो मजा लेते हैं। छोटे से लोकल कैंप में हम लोग इतने सारे लोग जमा हुए हैं। अरे हमेशा होता है क्या ऐसा? हाँ जी, कभी कभार हो, आज ज्यादा ही होगा। तो लेकिन ये अभी कितने देर तक रुकेगा? इसका कोई भरोसा नहीं है, एक घंटा आधा घंटा 10 मिनट। बर्फ हो रही है ना, स्नोफॉल हो रही है। अच्छा, स्नोफॉल हो रही है। हाँ, वो देखो नीचे किधर, ये देखो ना नीचे गिर रहा है ना। ये स्नोफॉल है? हाँ, तो बारिश दिख रही है। अरे स्नोफॉल है, आप देखो एक बार, ये देखो ये देखो ये देखो। अच्छा अच्छा, ये भी अच्छा, ये तो स्नोफॉल है। हाँ, स्नोफॉल गिर रहा है। स्नोफॉल हो रही है लेकिन ये हैवी स्नोफॉल हो रही है। ओ भाई साहब, ये तो बादल भी गरजने लगे हैं, मौसम बहुत ही खराब होने लगा है। हाँ, चाचा बोल रहे 2 मिनट में खुलेगा, खुल गया तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी ये जा रहे हैं क्या घोड़े वाले? हाँ, अभी हो जाएगा बंद। अभी तकरीबन दोपहर के 1:40 हो गए और अब निकले हैं गुलमर्ग से नीचे की तरफ। नहीं, ये कौन सा कंगन डोरी से आगे वापस कंगन डोरी। अच्छा, खिलनमर्ग से अभी नीचे की तरफ जा रहे हैं गुलमर्ग की तरफ। और ये आसमान पूरा क्लियर हो चुका है, साफ हो चुका है और पीछे की तरफ देखिए पूरे पहाड़ जो है बर्फ से ढके हुए हैं। अभी ये यहाँ तो पूरा आसमान क्लीन दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, लेकिन नीचे जो है वो नीचे से कोहरा जो है धुंध ऊपर की तरफ बढ़ रही है। यानी आधे घंटे में तकरीबन ये धुंध ऊपर की तरफ, यहाँ जहाँ हम लोग खिमनमर्ग में थे वहाँ आ जाएगा वापस से धुंधला और कोहरा नुमा ये माहौल बन जाएगा। चलो अभी नीचे चलते हैं गुलमर्ग की तरफ और फिर आज की ये गुलमर्ग की जर्नी ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ एक स्टैंड पे आया हूँ, लेकिन मेरी गाड़ी जो है वो पता नहीं कहाँ है और जो मुझे घोड़े पे लेकर गए थे एजाज भाई वो मुझे छोड़ गए हैं। अब मोहम्मद भाई पता नहीं मुझे गाड़ी तक लेके जा रहे नहीं लेके जा रहे। रुक जा भाई, रुक जा। आप उनको फोन करो कि इसको पकड़ के रखो, तब तक मैं पैसा लेता हूँ, फिर मैं गाड़ी के लोड के तुम्हारे को दे के उसमें बैठा देगा। बात बढ़िया यही है, बैठ थोड़ा उतरो इसे, उठ के इसको पकड़ के रखो। ये तो निकालो सर, इतना उतर के ना, पता क्या फिर मैं बाद में गाड़ी लोडूंगा ना, फिर तुम्हारे को बिल्कुल को पैसा लेना उससे। अरे पैसा ले लो, मैं नहीं नहीं, आपको देखो आपको यहाँ की जानकारी है ना, फोन करके कौन सी गाड़ी कहाँ पर है ये पकड़ो। घोड़ा घोड़ा तुम्हारे लिए, घोड़ा एक मिनट 50,000 का घोड़ा नहीं कमाना, इधर ही खड़े हो जाना।
अरे मेरी गाड़ी घूम रही है सात लाख अरे घोड़े की जिम्मेदारी मोहम्मद भाई ने मेरे पास दी है जो है थोड़ा सा मामला थोड़ा गड़बड़ है अरे देखते हैं गाड़ी कहाँ पर है मेरे ख्याल से वहाँ से नीचे होगी गाड़ी।